हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और अभी मैं हूँ रंगापारा स्टेशन पे और फिर से हमारी नई जर्नी शुरू हो चुकी है। और मैं अभी जा रहा हूँ, आज रात की हमारी ट्रेन है वो है गुवाहाटी के लिए, फिर गुवाहाटी से मैं जाऊँगा कामाख्या देवी। तो अभी मैं आया हूँ रंगापारा स्टेशन पे हूँ। फिलहाल ऐसा व्यू है, अभी आपको क्लियर दिखाता हूँ। तो ये है असम का रंगापारा रेलवे स्टेशन और हमारी ट्रेन अभी यहीं आएगी 11 बजे। और अभी जो टाइम हो रहा है वो आप बिलीव नहीं करोगे, सिर्फ 5:30 हो रहा है और यहाँ पर रात देखो हमारे यहाँ अभी तक उजाला है। मैंने घर पे अभी वीडियो कॉल बात करी थी तो वहाँ पे उजाला था, यहाँ रात हो चुका है पूरा रात। ये देखो फिर से हमारी नई जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। नॉर्थ ईस्ट का ये दूसरा वीडियो है और जिन्होंने अभी तक पहला वीडियो नहीं देखा, ऊपर आई बटन पे लिंक है, जाओ क्लिक करो देखो, और डिस्क्रिप्शन में भी है, वहाँ से भी लिंक पे क्लिक करके देख लो। तो अभी हम वेट करेंगे रंगापारा स्टेशन पे, फिर यहाँ से निकलेंगे गुवाहाटी के लिए 11:30 पे हमारी ट्रेन। तो अभी हम लोग रंगापारा स्टेशन पे बैठे हुए हैं और हमने करीबी एक चाय, और फिर से यार तबीयत खराब होना स्टार्ट हो गया, खांसी आना स्टार्ट हो गया और भाई की तबीयत और ज़्यादा खराब हो गई। तो पहले बैठे हुए चाय वाय पीते हैं कुछ गर्म चीज और फिर 11 बजे अपनी ट्रेन पकड़ेंगे। ये जो स्टेशन है नॉर्थ ईस्ट में आता है असम के अंदर, और यहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट है वो है तेजपुर डिस्ट्रिक्ट। तो जो हमारी ट्रेन है वो है दोनों पोलियो एक्सप्रेस करके, तो उसमें बैठेंगे और लगभग 4 बजे हम गुवाहाटी पहुँच जाएंगे। उसके बाद फिर चलेंगे अपना, देखते हैं मंदिर में दर्शन कितनी जल्दी मिलती है, उस हिसाब से अपना कर लेंगे जो भी करना हो। तो अभी थोड़ी देर में हमारा ट्रेन आने वाला है, लगभग 11:30 हो गए हैं, 40 मिनट लेट चल रही है। 11:10 पे टाइम था, 12 बज गए हैं, 3 मिनट कम है 12 बजने में। तो अभी थोड़ी देर में इसी ट्रैक पे आएगी हमारी ट्रेन यहाँ पे, उसके बाद हम बैठेंगे फिर आगे जाएंगे यहाँ से। बाकी देखो भाई को ठंडी लग रही थी, जैकेट पहन के रेडी है। तो हम लोग अपनी ट्रेन में बैठ चुके हैं और ट्रेन में आप भीड़ देख सकते हैं कितनी ज़्यादा है। तो हम सीधे मिलेंगे आपसे कामाख्या रेलवे स्टेशन पे, और ये जो सीट है ये जनरल क्लास की बोगी है, देख सकते हैं आप। तो अभी हम पहुंच गए हैं कामाख्या देवी रेलवे स्टेशन पे, कामाख्या जंक्शन पे, और सामने पहाड़ दिख रहा है, सुबह और क्लियर दिखेगा। अभी हो रहे हैं 4:20 और ये जो रेलवे स्टेशन है कामाख्या जंक्शन है, और अभी हम यहाँ से दर्शन के लिए जाएंगे, या तो हमें बहुत ज़्यादा आ गई तो देखते हैं, या तो सोएंगे थोड़ी देर फिर जंक्शन के लिए जाएंगे, या तो दर्शन के लिए जाएंगे फिर आके सोएंगे। अरे यार नींद नहीं आती यार, नहीं लगता। चलो चलो दर्शन करें भाई का। ये देखो ये कामाख्या जंक्शन है, अच्छा बड़ा रेलवे स्टेशन है, अगर आप रात को भी उतर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, आगे सो सकते हो। ये देख सकते हैं बाहर से, ये है कामाख्या जंक्शन रेलवे स्टेशन, और यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर दूर है कामाख्या मंदिर। तो आप यहाँ से कामाख्या मंदिर जा सकते हो, बाकी गुवाहाटी से भी जा सकते हो, यहाँ से थोड़ा इजी रहता है इस वजह से हम यहाँ पर। तो अभी हम लोग कामाख्या रेलवे स्टेशन से जा रहे हैं मंदिर की तरफ, और हमने देखा था गूगल पे रास्ता, तो वो जो रास्ता है वो दिखाया था लगभग 2.5 किलोमीटर का पैदल, और अगर बाइक वगैरह और किसी भी कार से जाते हैं तो वो था 6 किलोमीटर का। तो अभी हम पैदल जाने के लिए डिसाइड किए, क्योंकि 2-2.5 किलोमीटर तो हम पैदल चल ही सकते हैं। तो अभी सुबह के लगभग 5 बजने वाले हैं और ये शाम, तो ये अभी हम लोग जा रहे हैं कामाख्या टेम्पल के लिए। टर्न लेफ्ट ऑन टू पांडुपोर्ट रोड। अभी हम आ चुके हैं इस रास्ते पे जो कि पैदल का रास्ता है ये, और जो गाड़ी वाला रास्ता है वो काफी घूम के जाता है, वो लगभग 6 किलोमीटर हो जाता है। तो हम लोग पैदल पैदल इस रास्ते से जाएंगे, और यहाँ भी अंदर कंस्ट्रक्शन है ये रास्ता, अभी शायद ऊपर से फ्लाईओवर या मेट्रो जो भी बना रहे हैं, वैसे मेट्रो नहीं है सड़क ही बना रहे हैं। अभी हमें ये टर्न पकड़ना है यहाँ से, और धीरे धीरे यहाँ उजाला भी हो चुका है, लगभग 5 बज गए हैं। तो ये सामने अभी छोटा सा पहाड़ है, ऐसे सीधे जाना है फिर आ जाएगा कामाख्या टेम्पल। हमने गूगल मैप्स के भरोसे ही चल रहे हैं वैसे, और पूछ भी रहे हैं लोगों से। अभी हम लोग चढ़ रहे हैं पहाड़ पे है, हाँ। इतना स्टेप है, इससे ज्यादा पड़ता है, इतना दे है। अच्छा हाँ। तो अभी हम लोग पहाड़ चढ़ रहे हैं, और संदीप भाई जब असम राइफल का दौड़ दौड़े थे उसके बारे में बता रहे कितना दौड़े थे, क्योंकि ये पहाड़ है तो यहाँ पे जानती हो चढ़ने में,
काफ़ी एनर्जी वेस्ट होती है। मुझे तो खैर एक्सपीरियंस हो चुका है बहुत सारे पहाड़ों का, उत्तराखंड और हिमाचल लद्दाख में भी। तो ये देखो यहाँ से चढ़ाई हम लोग चढ़ रहे हैं। अभी देखो वो घर आपको ऊपर से दिख रहा है, उससे अंदाजा लगा लो क्योंकि अभी सड़कें दिख नहीं रही, सुबह हो जाएगी अच्छे से तब दिखेगी। गणेश भगवान का एक टेम्पल दिखा, कामाख्या देवी टेम्पल जाते वक्त। ये देखिए सामने गणेश भगवान है और ये पहाड़ है यहाँ पे। ये देखिए कामाख्या टेम्पल, इस पहाड़ को काट के बनाया गया है या खुद से बना हुआ है मुझे नहीं पता, मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ ध्यान से आप देखेंगे तो कामाख्या टेम्पल है, वैसे दिन रहता तो मैं अच्छे से दिखाता। ये देखिए ये टेम्पल बना हुआ है। अब ये नेचुरली बना हुआ है या किसी ने बनाया है, मैन मेड है ये नहीं पता, ये शिवलिंग है। तो दर्शन तो हो जाएगा ना अभी, कितने बजे तक हो जाएगा अभी लाइन लगाओ तो? 9:30। हाँ अच्छा, चलिए दुकान में ये सब रख दीजिए। अच्छा सुना, हाँ हाँ तो सर लेके लाइन लगा। अच्छा ठीक है। और पहाड़ की सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद ये एक गेट आता है मंदिर का है। ये देखिए अगर दिन रहता तो कितना गजब दिखता ये। अभी बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़नी है हमें माता जी के दर्शन के लिए, और थकान भी धीरे धीरे हो रही है। ये देखिए सीधे सीधे चढ़ाई है आगे। तो हमें रास्ते में काली माता का एक मंदिर देखने को मिला, और ये जंगलों के बीच में काफी पहाड़ चढ़ के आए हैं, ऊपर नीचे से सीढ़ीदार है तो थकान ज्यादा हो रही है। संदीप भाई जय माता दी बोलते चढ़ गए। तो भाई पहाड़ चढ़ते चढ़ते बहुत पसीना आ गया, बट हम लगभग चढ़ चुके हैं, कुछ दूर और बचा है, जय माता दी। वो डिस्टेंस भी बहुत जल्दी कवर कर लेंगे। और चढ़ते चढ़ते सुबह हो गई और जिस बात की मैं खुशी रहेगी। ये देखिए क्या खूबसूरत सुबह हो रहा है, और ये देखिए पहाड़ों के घर बड़े प्यारे लगते हैं मुझे, मज़ा आता है पहाड़ों। लाइफ आसान नहीं होती लेकिन असली इन्वायरमेंट का मज़ा यही रहते हैं। कल मैंने इंस्टाग्राम पे एक वीडियो देखा था, उसने 5 सेकंड वीडियो पॉज किया, उसके बाद उसने बताया कि इस 5 सेकंड में ना जाने कितने पेड़ सारी दुनिया में पूरे अर्थ प्लैनेट पे काटे जा चुके होंगे सिर्फ 5 सेकंड में। आई कांट इमेजिन। तो सोच सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग किस तरह से बढ़ रही है, जैसे जैसे पहाड़ों के पेड़ कटेंगे वैसे वैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, हमें खुद सांस लेने में दिक्कत, बहुत सारी परेशानियाँ आने वाली हैं इन फ्यूचर। तो हमें पेड़ वगैरह बचाने चाहिए। बाकी चलिए चलते हैं माता के दर्शन कराते हैं। ये तो ये जो सीढ़ीदार रास्ते हैं इनमें चढ़ने में थकान ज़्यादा होती है। शायद ये रास्ता जाएगा टेम्पल को, पूछें एक बार आओ पूछते हैं, चढ़ने से कोई फायदा नहीं। आओ अरे पीछे आप जो देख रहे हैं वो भी काली भैरवी करके टेम्पल है, बट वहाँ कोई है ही नहीं फिलहाल, यहाँ पे लगभग कोई नहीं दिख रहा कहीं पे, और नाम पूछते ऊपर चढ़ेंगे फिलहाल, तो ऊपर चढ़ के देखते हैं, अगर नीचे होगा तो नीचे फिर उतर आएंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो अभी हम लोग वापस घूम के गलत जा रहे थे, लेकिन बाबा जी मिले, इन्होंने सही रास्ता बताया मंदिर जाने का। ये देखिए यहाँ के व्यूज़ कुछ ऐसे हैं, और ये रास्ता है पहाड़ों पे बनाया हुआ मंदिर पे जाने का। तो ये जी खूबसूरत नज़ारा है कामाख्या देवी टेम्पल पैदल जाते वक्त, और हम लोग बहुत खुश नसीब हैं जो इस रास्ते से आए, मेहनत लगी लेकिन जो नज़ारे दिख रहे हैं ना बहुत ही खूबसूरत है। फिलहाल इतना सारा सामान लेके चढ़ा था, फिर से उठाते और मंदिर के लिए आगे चलते हैं। अभी हम फिलहाल चढ़ चुके हैं और यहाँ से अभी कहीं सामान रखते हैं, फिर प्रसाद लेते हैं, माता के दर्शन के लिए चलते हैं और हाथ मुँह भी धो लेते हैं कहीं जाके, और व्यू जो आ रहा है वो मैं दिखाऊंगा ज़रूर अभी थोड़े टाइम बाद। तो अभी हमने प्रसाद वगैरह ले लिया है और अब जा रहे हैं दर्शन के लिए। पीछे एक लाइन लगी थी वो VIP लाइन थी, उसमें 500 रुपये लगते, बाकी हम लोग जा रहे हैं दर्शन करने के लिए जो नॉर्मल लाइन लगी है वहाँ से। और ये हमारा प्रसाद है, आगे चलते हैं माता जी के दर्शन करते हैं, पूजा करते हैं, मन प्रसन्न हो जाएगा। अब नींद भी लगभग पूरी तरीके से जा चुका है, हाथ पैर सब अच्छे से धो लिया हमने। देखिए ये कुंड है, इसमें बहुत सारी मछलियाँ छोटी छोटी, और आगे से लाइन जो है नॉर्मल लाइन स्टार्ट हो गया है। अगर आप 500 देंगे तो आपको जल्दी दर्शन हो जाएंगे, बट हम यहीं से दर्शन करेंगे क्योंकि उस दर्शन
का मजा ही क्या जिसमें दुख ना हो। देखिए कामाख्या टेम्पल के अंदर का, और हमें शायद दर्शन जल्दी हो जाए, माता जी की कृपा रही हम पे। भैया जो पीछे इन्होंने बताया कि पहले जब आया थे दर्शन नहीं हो पाया था इतनी ज्यादा भीड़ थी, लेकिन हमारी किस्मत बहुत अच्छी है और ये लाइन लाइन देखिए घूमना पड़ता है, बहुत बड़ा सर्किट है। जय माता दी। अरे तो अभी कामाख्या टेम्पल में बैठे हुए हैं और कामाख्या टेम्पल जो कपाट है वो खुलेगा लगभग 7:30 बजे, तो यहाँ से 7:30 बजे आगे दर्शन के लिए जाएंगे। और भीड़ ज़्यादा नहीं है, है फिर भी, और पीछे से बहुत ज़्यादा भीड़ है, लेकिन हम लोग अच्छे टाइम पे आ गए तो हमें दर्शन बहुत जल्दी हो जाएंगे, जैसे कपाट खुलेंगे उससे जल्दी हो जाएंगे। अभी वापस से लाइन चल चुकी है हम लोगों की, मंदिर के अंदर है अभी और आगे जाके दर्शन करेंगे। जय माता दी, जय माता दी। और ये लाइन फिर से चल पड़ी है दर्शन करने के लिए। ये देखिए, ये देखिए, ये है कामाख्या मंदिर का प्रांगण और बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। अभी और आगे है मंदिर, तो वहाँ चल के दिखाएंगे। लोग वहाँ पे दर्शन कर रहे हैं और अंदर है मंदिर, वहाँ वही है। जय माता दी। और ये देखिए सामने पहाड़ भी दिख रहा है। और ये लाइन देखिए पूरा यहाँ से लंबा लाइन लगा हुआ है। चलिए दर्शन तो हो ही जाएगा जल्दी ही। तो अभी हम दर्शन करके मंदिर से आ चुके हैं और जा रहे हैं दिया जलाने यहाँ पे। ये देखिए ये जो जगह है, यहाँ पे दिया अगरबत्ती जलाते हैं। और ये मंदिर था, अंदर गर्भगृह था उस बड़े वाले जो गुम्बद के अंदर था। तो अभी हम दर्शन करके आ गए और बहुत अच्छे दर्शन हो गए, सुबह सुबह जल्दी दर्शन हो गए। तो चलिए चलते हैं, यहाँ पे दिया जलाते हैं और आगे नारियल, यहाँ पे जो है नारियल फोड़ते जो लोग जाते हैं नारियल चढ़ाते हैं। हमारे दर्शन काफ़ी अच्छे से हो गए हैं कामाख्या मंदिर में, और अब जो है यहाँ पे कुछ फोटोज वगैरह खिंचवाते हैं। और ये देख सकते हैं जो बड़ा वाला गुम्बद है वो मेन गर्भगृह है, और बाकी यहाँ से भगवान के जो है माता के दरबार में जाने के लिए बड़े बड़े जो आगे आपको गुम्बद दिख रहा है वहाँ से शुरू हो जाते हैं। आगे देखिए माता की मूर्ति है। ये देखिए ये मंदिर में आप जब लाइन लगेंगे, अंदर लाइन लगी हुई है यहाँ से ऐसे है। ये मंदिर के अंदर का व्यू है और ये है कामाख्या मंदिर। देखिए बहुत ही खूबसूरत मंदिर है, बहुत ही अच्छा लगा यहाँ आके, काफ़ी मन प्रसन्न हो गया सुबह सुबह, काफ़ी अच्छा लगा कामाख्या मंदिर में आके। ये देखिए माता दी, जय शंकर भगवान की जय। तो अभी हम जा रहे हैं मंदिर के कुंड की तरफ। ये देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा पानी है, कुंड का पानी इसे कहते हैं। हमने आज सुबह वहां से लाइन स्टार्ट करी थी और पीछे से। ये देखिए ये है कुंड, भगवान। तो अभी हम कामाख्या टेम्पल से निकल रहे हैं बाहर, और ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, और माता के दर्शन करके बहुत ही मन आनंद हो गया। ये देखिए अंदर नहीं भैया खींच। इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं पे एंड, और ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में, और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें। मैं ऐसे ही दर्शनीय स्थल आपको दिखाता रहूँगा।